ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी एवं सुप्रभात कैसे हो आप सभी लोग आनंद में हो आज इकतीस दिसंबर है आज हमारे देश के लोग दारू पियेंगे है ना क्लब में जा जा करके फिर कुछ उसमें रेप भी करेंगे और रात बारह बजे उसको निशाचर कहते हैं ना रात को चरने वाले तो ऐसे चरेंगे रात को और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आपको उनकी भीड़ में सम्मिलित नहीं होना है मूर्खों की फ़ौज में चलने का कोई फ़ायदा नहीं है है ना जे हम होता क्या है कि औरों के ग़ुलाम हो जाते हैं फिर उनके त्यौहार भी मनाते हैं उनकी संस्कृति का अनुस्करण करते हैं अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि इसने हमें गुलाम बनाया तो इसकी जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो सब सही होंगी है ना कल ही मैंने एक वो बाकुनी नाम का एक दार्शनिक था उसका एक विचार डाला वो कह रहा था कि ईश्वर का अस्तित्व यदि है तो उसको हमें समाप्त करना पड़ेगा तो ऐसे ऐसे फिलोसोफर चलते हैं और उनका हम अनुसरण करते हैं है ना तो होता क्या है जब दूसरे के गुलाम हो गए तो सोचते हैं इनकी हर चीज़ है वो अच्छी ही होती है तो ताकत जब हमारे ऊपर कोई अपनी ताकत डालता है ना तो हम उसको उसके साथ ताकत ही नहीं उसके संस्कार उसकी संस्कृति सबको मान लेते हैं कि इसमें ताकत है तो इसकी हर चीज़ में दम होगी है ना तो हम निशा की तरह रात को चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे फिर दारू पियेंगे मेणकों की तरफ खुदकेंगे डीजे बजेगा फिर नाली में गिरे रहेंगे वो नाली में कौन गिरता है फिर नाली में गिरते हैं नाली के कीड़े होते हैं वो नाली में ही तो रहते हैं ना तो आप तो नाली के कीड़े नहीं हैं है ना आप तो शिवाजी की संतान है वो महाराणा प्रताप के वंशज हो है ना हमारे तो आदर्श ये सारे क्रांतिकारी हैं देखो आपको तो दिखाऊँ मैं ये हमारे आदर्श हैं अमर बलिदानी योगेंद्र सिंह योगेंद्र शर्मा शहीद स्मृति ये हम छोटे से तभी ये शहीद हो गए थे इनके ऊपर जब तिरंगा डाला गया था तो हम सोचते थे कि काश ऐसा भी कोई दिन आए जिस दिन हमारे ऊपर भी तिरंगा डले तो समझेंगे जीवन सार्थक हो गया ना कई आतंकवादियों को भूना उन्होंने उसके बाद इनको भी गोली लगी तो ये व्यायाम करते हैं यहाँ पर अपने गांव के लोग और यहाँ हम भी करते थे पहले अभी भी आते हैं कभी कभी तो नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते तो यही है आज काफ़ी ठंड भी है है ना वैसे त्यौहार मनाते हैं ना अपना जो नववर्ष आता है तो वो उस समय वसंत खिलता है अच्छे अच्छे पुष्प उगते हैं फसलें बदलती हैं पूरा प्रकृति का नज़ारा ही कुछ और हो जाता है काफ़ी है ना कड़ाके की तो देखो ठंड पड़ती है देखो कोहरा कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक है ना और फिर भी रात को बारह बजे मनाते हैं जब ना दिन है ना रात। मतलब रात घनघोर निशाचर वाला काम जैसे तंत्र विद्या सीखते हैं ना कुछ लोग वो रात को करते हैं खोपड़ी में पानी भर के शमशान में बैठ के तो निशाचरी बुद्धि तो फिर प्राप्त होगी ऐसे काम करेंगे तो है ना तो अपना तो वर्ष कब आएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है ना ध्यान रखना तब मना लेना तब फुदक लेना जो भी करना है है ना पहले हम भी खाते थे गाजर का हलवा बनता था नई साल आती थी हम कहते थे घर वालों नई साल है नई लेकिन कोई नई वही साल नहीं है ये है ना जिनकी होगी वो मनाते रहेंगे अपने को कोई लेना देना नहीं है उन लोगों से उनकी संस्कृति का अनुसरण ना करें जो चीज़ अच्छी हो वो हम किसी की भी ले सकते हैं चाहे यूरोप की हो अमेरिका की हो किसी भी क्षेत्र की हो ये संसार तो पूरा परमात्मा ने सबके लिए ही बनाया है तो इसमें अपना पराया कुछ नहीं लेकिन जो गलत चीज़ है वो किसी की भी अनुसरण नहीं करनी है चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो है ना तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को याद रखें अपना तो नव वर्ष तभी आएगा तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा फुदकने की कोई आवश्यकता नहीं है अपनी संस्कृति पर गौरव करें और अपने सिद्धांतों को जीवन में अपनाएं उसके अनुसार अपना जीवन शांति में प्रतिष्ठित होगा नहीं तो बाकी तो फिर ये सब होगा दारू पीने वालों का फिर क्या होता है है ना नाली के कीड़े ना बने मेढकों की तरह फुदकने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई नया वया साल नहीं है बस इतना सा ही कहना था बाकी फिर से सभी को नमस्ते सुप्रभात आप सभी का दिन मंगलमय हो और आपका जीवन भी मंगलमय हो आप भारतीय संस्कृति को अपनाएं और